प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम में हिसाब बराबरी का रहा, जिससे 10 साल से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में जान आ गई, जो अब प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रही है और 15 सवालों की चार्जशीट लेकर प्रदेश भर में निकली है, जिसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि भाजपा से सवाल पूछने से पहले कांग्रेस बताए कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान क्या किया। प्रदेश के इसी गर्मागर्म माहौल के बीच अगर हम बात करें सोनीपत लोकसभा के सफेदों हलके की, जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी होने के बावजूद भाजपा को बढ़त मिली, यह बढ़त क्या इशारा कर रही है? क्या यहां पर जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? अगर जनता का कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो इसके पीछे क्या कारण रहे, या फिर आमजन भाजपा की नीतियों से खुश है? इसी चीज को जानने के लिए जगत महान कार्यकारी संपादक तेजवीर सिंह ने बात की सफेदों हलके में अनेक वर्षों से भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय परशुराम परिषद हरियाणा के अध्यक्ष सुरेश कौशिक से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भी प्रिय रहे हैं। सुरेश कौशिक वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी यूपी के हलकों में प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में सोनीपत प्रत्याशी और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के साथ वे चुनाव के दौरान साए की तरह साथ रहे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सफेदों से बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। आइए उनसे जानते हैं सफेदों हलके से उनकी दावेदारी और सफेदों के लिए उनका क्या है सपना। सरपंच साहब, आपके गांव के ही एक व्यक्ति हैं सुरेश कौशिक जी, आपकी बार कवायद चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर पार्टी के द्वारा तो कितना सहयोग रहेगा गांव की तरफ से? अगर पार्टी सुरेश कौशिक जी को इस बार विधानसभा में उतारती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और हम आप जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, हमारा गांव तो एक तरफा होके उनकी तरफ रहेगा और पार्टी के पद को और उनको विधानसभा में भेजने का काम करेगा। सुरेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, वो सभी समस्याओं को बहुत भी समझते हैं। अगर वो विधानसभा में जाते हैं तो हल्के की तरक्की निश्चित है। मेरा नाम राम के शर्मा है जी। आप पूर्व सरपंच? हाँ, एक्स सरपंच हूँ, पिछली प्लान सरपंच था मैं गांव डाटत का। तो लोगों का मन बन रहा है अब के फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार को बनाने का। अब की बार पता क्या, पब्लिक नवा चेहरा देखना चाहती है, भाई कोई नवा कार्यकर्ता, जैसे अपने नायब सिंह सैनी से, उन्हें मंडल अध्यक्ष से, बूथ से काम कर कर वहाँ यहाँ मुख्यमंत्री तक पहुँचा, उन्हें गरीबी का पता है और उसने दुख का भी पता है, गरीब आदमी का क्या दुख है। ऐसे ही अपने मोहन लाल बड़ोली है, जैसे उन्हें छोटे कार्यकर्ता से आज प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उन्हें हर एक आदमी की मजबूरियों का दुख का सबका पता। ऐसे ही हम चाहते सफेदों में कोई नवा चेहरा जो धरती से जमीन से जुड़कर पब्लिक के बीच से उठ के जाए, विधायक बने, तो ऐसे आदमी को कैंडिडेट को जो बीजेपी सरकार दे मौका दे तो बहुत कम से कम 10-15 हज़ार वोटों से जीत कर विधायक बन सकता है। तो हल्के में घूमता हूँ, लोगों की एक डिमांड है भाई, जैसे इनका ब्राह्मण को टिकट मिल जाए, नॉन जाट है ब्राह्मण को, जैसे यहाँ कभी टिकट नहीं मिली ना बना, तो लोगों की एक आवाज़ है हमारे सुरेश कौशिक है सफेदों से, जो दुख सुख में सबके साथ जाता भी है, और जी भी वो बीजेपी के साथ है, मोहन लाल के साथ था, रमेश कौशिक के साथ था, बचन सिंह आर्य के साथ था, जिसमें अपना तन मन धन से अगवानी करके उसको इलेक्शन अपना समझ के इलेक्शन लड़ा। तो ऐसे आदमी को जो पूरे 72 गांवों में उन जान पहचान में दुख सुख का साथ है, जो ऐसे आदमी को टिकट मिल जाए जिसका कोई विरोध भी नहीं, तो वो एक तरफा जीत है। जिस तरह के परिणाम लोकसभा में रहे हैं, हम विधानसभा के परिणाम जो है उससे भी अच्छा देखने की उम्मीद करते हैं। कारण क्या है कांग्रेस से क्यों नाराज? कांग्रेस से तो ये है कि पिछले 60 या 6 या 7 दशक तक कांग्रेस रही है, आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है विश्व स्तर पर, ऐसा तो कांग्रेस ने कोई प्रयास किया ही नहीं। तो अब की बार किस तरह का व्यक्ति आप यहाँ से विधानसभा चुनाव में लड़ते देखना चाहते? अगर कोई नया चेहरा, यानी सुयोग्य, सुशील, युवा, पार्टी ने उन व्यक्तियों की ड्यूटी भी लगाई है, उसका परिणाम देखो, परिणाम के बाद उसको टिकट का दावेदार मानो, ऐसा कोई व्यक्ति आए
तो जीत निश्चित है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के भावी दावेदारों से रूबरू करवा रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है सफीदों हलके में। सफीदों हलके में हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कौशिक जी। सुरेश कौशिक जी लगातार सफीदों हलकों में वर्षों से जो है जनता के बीच जाकर सेवा कर रहे हैं और ये प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भाजपा में और परशुराम संस्था के भी ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं ये किस प्रकार से देखते हैं सफीदों हलके को और सफीदों हलके के बारे में इनकी क्या सोच क्या विजन है। हम सुरेश जी से बात करते हैं। सुरेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इतने वर्षों से पार्टी के लिए जी जान लगा के मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अभी तक पार्टी द्वारा टिकट या मौका नहीं दिया गया है, कहीं दिल में टीस है या ऐसे ही समर्पित सिपाही की तरह काम करते रहे? मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। संगठन जो आदेश देता है मैं वो काम करता हूँ, और ये संगठन ने सोचना है कि इस कार्यकर्ता को क्या देना है। संगठन का काम है, मेरा काम है काम करना। संगठन जो कार्य दे मैं उसी को दिल जान से करता हूँ। संगठन ने जितनी बार भी किसी दूसरे कार्यकर्ता को यहाँ टिकट देकर भेजा, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदा खड़ा रहा, और इस बात का मेरे संगठन को और यहाँ के लोगों को भलीभांति पता है। आपकी जो मेहनत है वो इस चुनाव में हमें देखने को मिली। ठीक है, मार्जिन थोड़ा कम रहा, लेकिन आपने ये चमत्कार किया कि यहाँ का कैंडिडेट होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में आपने भाजपा को यहाँ से जिताया, और कभी भी फोटो की राजनीति नहीं की, कहीं भी चेहरा चमकाने की राजनीति आपने नहीं की। कहीं यही कारण तो नहीं है कि आप हमेशा टिकट की दौड़ में पीछे रह जाते हो? ये तो आप लोग भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जो दिखता वो बिकता है जी। मैंने भी सोचा भी काम की बजाय जो मैं काम करता हूँ वो दिखाना भी चाहिए। अब मैं शुरू करूँगा, मैं दिल से आपको बताता हूँ, मैं अब शुरू करूँगा भी जो मैं काम करता हूँ वो लोगों को भी दिखना चाहिए। लेकिन मेरी विधानसभा के लोगों को पता है, इस पार्लियामेंट क्षेत्र की सफीदों विधानसभा हमारी है। सफीदों विधानसभा में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा का प्रत्याशी आदरणीय मोहन लाल बड़ोली जी, हमारे भाई जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से जीत के जाएंगे। सब ये आस लगाए बैठे थे क्योंकि यहाँ का लोकल कैंडिडेट था और कांग्रेस का विधायक था। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने मेरे को खुद बताया, यहाँ के लोकल विधायक ने, सुरेश असली मुकाबला तो मेरा तेरा था यहाँ पे जी। उसका फोन मेरे पास आया, बाकी लोग तो मैंने पता है क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन असली जो तूने संघर्ष किया वो सबके सामने है और मुझे भी पता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात के लिए सपीदों की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा विपरीत हालात होते हुए भी, यहाँ का कैंडिडेट होते हुए भी, जींद में पहली बार पार्लियामेंट की कोई टिकट मिली और सफीदों विधानसभा में मिली और फिर भी यहाँ से जीत दिलाई। मैं सफीदों की जनता का बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। थोड़ी सी मायूसी थी क्योंकि हार मिली थी, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रदेश अध्यक्ष जैसा इतना बड़ा पद, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, जिसके साथ कदम से कदम मिला के चले, बातें भी सुनी, नारेबाजी भी सुनी, और उसके बावजूद ये इतना बढ़िया पद मिला है, अब विधानसभा चुनाव में आप इस जोड़ी का कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, नायब सिंह सैनी जी और प्रदेश अध्यक्ष का? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहली बार हरियाणा में इतना नरम और शरीफ, धरातल से जुड़ा हुआ संगठन का आदमी प्रदेश अध्यक्ष बना है। और इसी तरह हमारे आदरणीय नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। दोनों की जोड़ी लाजवाब है और जनता में एक उम्मीद जगी है हरियाणा की जनता में कि भई अब इनसे अच्छा व्यक्ति नहीं आ सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका देना चाहिए। और आप देख सकते हो, जा सकते हो, सारा परिस्थिति सारा माहौल हरियाणा का बदल चुका है।
और सब मन बनाना शुरू कर दिया और मन बना भी लिया कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका देंगे। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के नायब सैनी जी के 24 घंटे हरियाणा की जनता के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी जाके किसी भी टाइम मिल सकता है, एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता मिल सकता है। उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के भी सारे दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, आप किसी टाइम जाइए और मिलिए, अपनी बात को रखिए और दोनों मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे। मोहन लाल बडोली जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने का काम करेगी, आप देख लेना। अब एक सवाल खड़ा होता है पत्रकारों के दिमाग में भी, आम जनता के दिमाग में भी, कि नायब सिंह सैनी जी जो बीसी कैटेगरी से आते हैं और जो ये अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया मोहन लाल बडोली जी, वो पंडित चेहरा हैं, कहीं ये नॉन जाट की राजनीति तो नहीं की जा रही है बीजेपी के द्वारा? आप क्या सोचते हो, मझेवे राजनेता हो आप? मैं इसके बारे में ये कहता हूँ, ये काम केंद्रीय नेतृत्व का सारे संगठन के लोग बैठ के डिसाइड करते हैं किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। यूँ तो अगर आप ऐसे बात करते हो तो हमारे जो आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी हैं वो हमारे जाट समाज से हैं, राजस्थान से हैं, ऐसी बात नहीं है। धनखड़ जी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उससे पहले रामविलास जी भी रहे हैं, सुभाष बराड़ा जी भी रहे हैं, ये तो समय समय पर कार्यकर्ता को मौका मिलता रहता है। और अब पहली बार एक साधारण कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लेके बूथ से लेकर कार्य करने वाले आज ऊपर तक गए हैं। और मैं तो यूं भी कहूँगा, जो नीचे रूट लेवल पर कार्यकर्ता, हमारे जैसे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं विधानसभा में, उनकी नज़र हमारे ऊपर भी पड़ेगी। और मैं तो इस विधानसभा की बात नहीं करता, सभी विधानसभा में मैं कहना चाहता हूँ, सब मैं ऐसे कार्यकर्ताओं की तरफ उन्हें भी ध्यान देना चाहिए और वो ध्यान दे भी रहे हैं जी। हम उनका इस बात के लिए धन्यवाद भी करते हैं जी। और आप से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ सपिदो विधानसभा की जी। सपिदो विधानसभा में शुरू से ये बीजेपी की एक विधानसभा रही है, पीछे परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि पता नहीं क्यों, या तो टिकट वितरण गलत हो सकता है या कैंडिडेट का कुछ ना कुछ तो कोई कारण रहा ही है, नहीं तो आप देख लो पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जीत ही दर्ज की करके गए हैं लोकसभा के कैंडिडेट, और अब की बार विधानसभा में कमल का फूल जरूर खिलेगा सफेदों में। सफेदों के बारे में आपका अगर विजन की बात करें, जब आपने दावेदारी ठोक रखी है, बहुत पहले से ठोक रखी है, लेकिन ठीक है कि आपका एक नेचर है कि आप उसको दिखाते नहीं हो, आप यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले रखते हो जनता के लिए, लेकिन वो भी कभी आपने दिखाया नहीं, लेकिन आप आपने दावेदारी फिर से आपने ठोकी है, तो आप क्या विजन लेके चले सफेदों के लिए, क्या करना चाहते हो यहाँ के लिए? अगर सफेदों की जनता ने और हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने अगर मेरे को मौका दिया और यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया जी, तो मैं सफेदों में ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग याद करें। मुख्य रूप से मेरा पूरा फोकस सौंदर्यकरण के लिए रहेगा, भी शहर का सौंदर्यकरण, गांव का सौंदर्यकरण, और दूसरा जैसे पर्यावरण में आज कितना बुरा हाल है, जलवायु संतुलन बिगड़ चुका है, ये पौधारोपण पर भी मेरा पूरा फोकस रहेगा। जैसे आज आपने कार्यक्रम भी देखा गांव में, मेरे गांव में 400 के लगभग पौधे लगाए गए जी, उस पर भी पूरा ध्यान रहेगा, और साफ सफाई पे, स्वच्छता पे भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, और मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनवाया जाएगा ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। और जब यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, जैसे हमारा पैरामेडिकल कॉलेज नौरमज पूरे ना होने की वजह से जीन चलेगा, यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल होगा तो यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज भी दोबारा जरूर बनाया जाएगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ जी। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगते रहे बीजेपी सरकार पर के अधिकारी जो है वो काम नहीं करते हैं, नेता लोग जो है वो जरूर प्रयासरत हैं लेकिन अधिकारी नहीं, सामंजस्य, आपको क्या लगता है सफेदों में आपके साथ ठीक था, सामंजस्य रहा और काम हो पाए कुछ संतुष्टि लायक? नहीं, मैं एक बात और, कुछ अधिकारी ऐसे हो सकते हैं
लेकिन अधिकारी पूरा साथ देते हैं, सरकार का पूरा उन पर प्रेशर है, आप जन कल्याण के लिए लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। और आज आपने देखा एसडीएम साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम में शिरकत की थी, उन्होंने हमारे साथ गांव का सरपंच भी था, वहाँ के बीओ साहब सब थे, और इसी तरह अधिकारी आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी कर देते हैं डामाडोल, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जब से नायब सैनी जी बने हैं और सुधार हुआ है, पहले भी काम होते रहे हैं, अब और तेजी से काम हो रहे हैं लोगों के। आजकल मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां जो है घोषणाओं का पिटारा खोल देते हैं, और जो भी सरपंच या जो भी नेता हैं वहां के लोकल, वो जो भी उनसे मांग करते हैं वो पूरी कर देते हैं। बड़ा ऐसा चेहरा बदलने की कवायद चल रही है, तो कभी आप भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी को बुला के सौगात दिलवाने वाले हैं सफेदों हल्के को? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के सामने जो भी डिमांड रखते हैं, जेन्युइन डिमांड, जो सही मायने में उस विधानसभा की डिमांड है और वह होने वाली है, तो वो पूरी करते हैं। और मैं यहाँ पे बुला के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ उनका समय लेके कोशिश करूँगा, जो भी पेंडिंग डिमांडें हैं वो सारी पूरा कराने का प्रयास करेंगे, यह मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। और वो आए भी गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वर्तमान समय में यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, और कांग्रेस जो है चार सीट बना के पूरे हरियाणा में एक रथ यात्रा निकालने वाली है या यात्रा करने वाली है। आप सफेदों में कांग्रेस का वजूद किस प्रकार से देखते हैं? अब आपने देखा चुनाव परिणाम अभी आए हैं जी, महीने पहले चुनाव परिणाम आए हैं जी, उसमें भी कांग्रेस हारी है। यहाँ का लोकल कैंडिडेट होते हुए भी ब्रह्मचारी जी फिर भी यहाँ कांग्रेस आ रही है, और अब आने वाले चुनाव की तो परिस्थिति पूरी बदल चुकी है। आप देख लेना, कम से कम 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी, कमल का फूल खिलेगा पहली बार, आप देख लेना। और इस बात का सबको पता है, चाहे कांग्रेस के टिकटार्थी भी, उन्होंने पता है भी सफेदों विधानसभा में अब की बार 200% कमल का फूल खिलने वाला है। आप हल्के की जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में आप किस तरीके की चीज़ें लेके चलने वाले हों, और आगे अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो आप लोग क्या विशेष करेंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? मैं सफेदों विधानसभा को भरोसा दिलाता हूं, अगर मेरे को संगठन ने, पार्टी ने मौका दिया और आपका आशीर्वाद मिला, तो मैं 24 घंटे आम पब्लिक के लिए अपने दरवाजे खुले रखूंगा, और अब भी खुले हैं। सब ने पता है मैं सरल अवेलेबल हूँ सबके लिए, सब लोगों को अभी पता है मेरे नेचर का, मेरे स्वभाव का, मैं सरलता से अवेलेबल रहता हूँ, सबके फ़ोन उठाता हूँ, सबकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, और खुद फ़ोन से जो मेरे से बन पड़ता मैं फ़ोन भी करता हूँ, और लोगों के साथ में जाता भी हूँ उनकी, और जो भी कठिनाई मेरे सामने आएगी बनने के बाद उसका निपटान करूँगा, और पूरे शहर को, ताकि मेरे शहर का, जैसे सफेदों के शहर के बीच से ये नदी निकलती है, ऐसा इसका सौंदर्यकरण हो, जो भी बाहर से भी लोग आए पटड़ी के दोनों तरफ, ऐसा सौंदर्यकरण हो जो बाहर से लोग आए और एक बार देखता रह जाए, बोचक्का रह जाए, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाए, कैसी सजावट कर रखी है, कुछ ऐसा मेरा सपना है। और गाँव को भी इसी मॉडल पर साफ सुथरे गांव हो, लाइट हो, 24 घंटे लाइट वैसे सरकार ने कर रखी है, और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होगी उनको सबको दूर करेंगे। और जो मेन मेरा फोकस गांव में पानी की निकासी का है, उसमें पानी की निकासी जिस गांव में नहीं है उसकी निकासी का प्रॉपर, उसका परमानेंट समाधान करा जाएगा। इन सभी बारीक बारीक चीज़ों पर मेरा पूरा ध्यान है। मैं इसलिए आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ जी, दूसरा कारण क्या है जी? दूसरा, सफेदों में मेन रोजगार की बात है, सफेदों में मेन रोजगार की बात है, रोजगार के सारे जो भी मेरे पे बन पाएगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने की बात है, जैसे यहाँ अभी जमीन इक्वायर कर रही है सरकार पीलूखेड़ा के पास जी, अगर ये डेवलप इसको जल्द इसमें थोड़ी तीव्रता लाई जाएगी, ताकि ये जल्द से जल्द डेवलप हो, और ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, बेरोजगारी लगभग खत्म हो जाएगी जब ये डेवलप हो जाएगा और इसमें तीव्रता लाई जाएगी।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे बताना चाहता हूँ जी। तो दर्शकों, ये थे सुरेश कौशिक, जो कि बड़े ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और ये लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हालांकि ये मीडिया से और तस्वीरें खिंचवाने से हमेशा दूर रहे थे, लेकिन अभी हमने इनको टटोलने का प्रयास किया और जो निकल के सामने आया तो इन्होंने बताया कि मैं सफ़ेदों को जो है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में गंगा को संवारने का काम किया था, उसी प्रकार से सफ़ेदों शहर के बीच से गुजरने वाली नहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करूंगा, इसी तरह पे गांवों में विकास कार्य करूंगा। मूलभूत सुविधाओं की बात, ये सबसे बड़ी बात जो समस्या हर हलके में है, पानी की निकासी की, उस पर काम करूंगा। पीने के पानी के लिए ये कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा और अभी ये कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार ने पहले भी काम किया है, लेकिन आगे भी अगर इनको मौका मिलता है तो ये सरकार के माध्यम से सभी कार्यों को पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए सफेदों से तेजवीर सिंह, नमस्कार।